डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास 5 का मैथ है, चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 45। यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आप लोग डिवाइड तो जानते ही हैं, क्लास 3 से ही डिवाइड, इससे पहले भी शुरू हो जाता है क्लास 2, क्लास 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 1.29 क्या हो जाएगा, तो पॉइंट से इधर हमको लेना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट पहले लगा देते हैं, 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो गया, कट गया ये, फिर 9 नीचे आ गया, 3 3 जा 9, ये हो गया 0.43, इसका आंसर हो गया। 10 नंबर में यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड देना है, तो यहाँ पे हो गया 0.824, तो पहले ही हमको 0 पॉइंट लगाना होगा क्योंकि हमको इधर चलना होगा, तो 1 बार में तो 8 कट रहा है, 8 1 जा 8, इसको काट देते हैं 2। यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर डिवाइड नहीं जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं, फिर ये 4 आएगा और 8 3 जा 23, ये हो गया 24, 8 3 जा 24, ये कट गया, कितना हो गया 0.103। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे टेबल जो है वो उसको बड़ा कर दिया है, तो ये सब जिसमें टेबल बड़ा रहेगा उसको बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 16 है तो 16 का टेबल आप याद कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा टेबल याद नहीं होगा, तो 4.128। अब यहाँ पे 16 जो है तो यहाँ इससे ज़्यादा लेना होगा, पॉइंट किधर जाना होगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देते हैं, और 41, तो 16 16 32 16 38, मतलब 3 बार में ज़्यादा जा रहा है, 16 2 32, 2 बार में जा रहा है 32, तो इसको 32 बार में यहाँ पे 11 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 2 11 होता है, और ये कट गया, तो यहाँ 2 नीचे, तो फिर 16 16 32 16 43 16 64 16 85 16 96, 6 बार में 96 जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 5 जा 80 होता है, 16 85, तो 5 बार में 80 लगा देते हैं यहाँ पे, और ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे 8 128 आ रहा है, तो 16 8 जा 128 होता है, तो 8 बार में इसको लगा देते हैं 128, 16 8 28 से तो 128 हो गया, ये कट गया, कितना कितना बार में गया, ये 10.258, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 24 का टेबल तो मुश्किल है, फिर इसको जो है समय देना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 59.52, तो इसमें 24 2 जा 48 होता है, और उसमें जो है 3 बार में जाएगा 72 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में जाएंगे हम लोग, 2 48, 24 2 48 हो गया, 9 यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ भी 1 हो गया। अब यहाँ पे एक बार गया तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट वाला नंबर लेंगे अब यहाँ से, तो कितने बार में जाएगा चेक कर लेते हैं, इधर चेक करना पड़ेगा इसको, 24 इसको 4 बार में चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 1 बच गया, 4 2 जा 8 1 9 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जाने वाला है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 24 5 से चेक कर लेते हैं, 20 हो गया, 0 2 बचा हुआ, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, तो यहाँ पे 120 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 4 बार में ही जाएगा, तो यहाँ 4 बार में ले जाते हैं इसको, 4 कितना हो गया 96, यहाँ पे 15 में से 6 गया, तो यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में माइनस 9 होगा तो 1 हो गया यहाँ पे, और ये जो है 2 नीचे आ जाएगा, 192 हो गया, तो ये कितने बार में जाएगा, 24 यहाँ पे है, तो 2 9 जा 18 होता है, हो सकता है कि 9 8 या 9 बार में हम लोग को चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 24, 8 बार में पहले चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, 8 4 जा 32 हो गया, 3 बचा हुआ है, 8 2 जा 16 16 और 9 192 आ तो गया 8 बार में, मतलब यहाँ पे 8 डाल देते हैं, और यहाँ पे 192 आ गया, ये पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 2.48, ये इसका आंसर हो जाएगा।